यूपी पुलिस हरिराम नाई को ढूंढ रही है। ढूंढ रही है उस मीर जाफर को जिसने विकास दुबे को पुलिस के आने की पहले से सूचना दे दी थी। प्रदेश की सारी तकनीकी टीम को सख्त हिदायत दी गई है कि वो सारे फोन को सर्विलांस पर लाए जो 2 और 3 जुलाई की रात को बिगरू गांव के आसपास एक्टिव थे। उन पर कहां कहां से फोन आए थे, कब आए थे, कितनी देर बात हुई थी, ये सारी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है यूपी पुलिस। यूपी का पुलिस महकमा भी मान रहा है कि यह उनके यहां से बड़ी चूक हुई है। आखिर दबिश की खबर कैसे लीक हो गई? हम आपको इस खबर में आगे यह भी बताएंगे कि 32 वर्षीय एक महिला चश्मदीद ने बताया कि मुठभेड़ की रात को विकास दुबे घर में था ही नहीं। यह सनसनीखेज खुलासा जो हम आपको थोड़ी देर में उस महिला का बयान भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि मुखबिर कौन है। यह तो तय है कि वह है तो पुलिस महकमे के अंदर ही। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि जिस विकास दुबे का नाम क्षेत्र में बीते 3 दशकों से चल रहा हो, जिस पर एक राज्य मंत्री की हत्या का आरोप हो, 60 से ज़्यादा मुकदमे हो, जिस पर खुद जिला पंचायत सदस्य रह चुका हो, जिसके परिवार से आसपास के 3 गांव में लोग प्रधान रह चुके हों, उसका भला क्षेत्र के थानों में दखल क्यों ना होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, उसको तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने आश्रय दिया हो, भला उसके लिए मुखबरी नहीं होती तो किसके लिए होती? इसलिए पुलिस अगर किसी हरिराम नाई को पकड़ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, वह एक व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग घुली पड़ी है। जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है, ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, इस सब चीज़ों को अनरेवल करने के लिए, इसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके विरुद्ध वो सारे साक्ष्य जमा किए जा सके। राजनेता, नौकरशाही, पुलिस और बदमाश के गठजोड़ का तंत्र ही पूरे भ्रष्टाचार के आखंठ में डूबा हुआ है। इसलिए शहीद हुए 8 पुलिसकर्मी तो एक बांगी भर हैं इस सड़ांग मारते तंत्र की। इसमें 5 साल में योगी बाबा क्या उखाड़ पाएंगे, क्योंकि जमीन पर कुछ नहीं बदला है, चाहे योगी बाबा हो, मायावती या अखिलेश यादव। अब बात करते हैं उस सनसनीखेज खबर की जिसको आपको है इंतजार। इस किले नुमा मकान में रहने वाले विकास दुबे के घर में खाना बनाने वाली महिला का कहना है कि मुठभेड़ की रात विकास दुबे घर में था ही नहीं। वह 2 दिन पहले ही गांव में एक शादी समारोह में जरूर आया था, लेकिन घटना की रात में वो नहीं था। कल रात को जो हुआ था, आप थे घर पे? नहीं, घर पे थे, मंदा सो रहे थे। विकास कहाँ पे? वो नहीं थे। कब से नहीं? अब ये हमें नहीं पता, लेकिन कल नहीं थे यहाँ। जाके आप करते क्या? हम तो नौकरी झाड़ू पोछा था, खाना बनाती है, यही रहते हो? हाँ। तो कब आए विकास, मालूम नहीं? नहीं, कल नहीं, कल नहीं थे। कब थे पूछ, कब थे? परसों थे? 30 को बारात थी, तब तो तब थे। किसकी बारात थी? गांव की बारात थी, यही गोड़े में। कल यहाँ पे ये तोड़फोड़ किसने करी, ये गोली किसने चलाई यहाँ पर? अंदर नहीं गोली चली थी। कहाँ चली थी गोली? बाहर। बाहर चली थी, किसको चलाई गई थी? अभी हमें नहीं पता। इस महिला का बयान सही है या गलत, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन विकास दुबे और उसके समर्थकों ने जिस तरह से छतों पर चढ़कर पुलिस पर गोलीबारी की, पुलिस दल को रोकने के लिए गांव में जेसीबी को खड़ा किया है, यहां तक कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीसीपी को एक घर में घसीटकर उनके सिर में ताबड़तोड़ गोलियां दागी, उससे पता चल जाता है कि अपराधियों के मन में यूपी पुलिस का कितना डर है।